अर्चना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। आपकी तीन मूवी मेरी फेवरेट है। कौन सी? पहली राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आपने करिश्मा कपूर की मॉम का रोल प्ले किया था, है ना? दूसरी मोहब्बत है, प्रीतो जी का रोल प्ले किया था। और तीसरी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें आपने अंडरटेकर का रोल प्ले किया था। रिस्पेक्ट है आपके लिए। शेखर जी, मेरी बहन रहती है कनाडा में, और हर साल वो गर्मियों की छुट्टियों में आ जाती है। हाँ। और जब भी आती है अपने साथ एक भारी भरकम चीज लाती है। क्या? अपना फेक एक्सेंट। हेलो अपूर्व, हाउ आर यू? हाउ फार इज चांदनी चौक? मैं कहा पहले तो गुटका थूक के बात किया कर मुझसे, ढंग से बात किया कर। और मैं कहा चांदनी चौक का क्या करना? कहते आई नीड टू बाय लहंगा। लहंगा? तो मैंने निकाली हम सबकी फेवरेट कार 800। शेखर जी आपके पास भी होगी, अर्चना जी कभी आपके पास भी होगी। उसको देख के वो बावली होगी, कहती ओह माय गॉड विंटेज कार, हाउ स्मॉल इज दिस। और लोगों को 800 के फायदे ही नहीं पता। शेखर जी, जैसे आपके पास महंगी कार है, उसको आप 20 सड़क पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। 800 को कहीं भी छोड़ दो, बिल्कुल टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहते बम होगा भाई, इससे दूर हो जा, पक्का बम होगा इसके अंदर। अरे 800 इतनी तगड़ी कार है, वो सिग्नल भी तोड़ देना पुलिस वाला नहीं रोकता। कहता है इसको रोक लिया, बंद पड़ गई, जाम और लग जाएगा, धक्का लगाना पड़ेगा इसके चक्कर में। तो हम पहुंचे चांदनी चौक अपनी 800 में। और चांदनी चौक में अभी भी कुछ नहीं बदला, कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा है, मूंगफली के छिलके आपके सर पे गिर रहे हैं, पांव पे कीचड़ लग रही है। और जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो GPS बहुत यूज करते हैं। तो मेरी बहन वहां पे ढूंढे जा रही है, ये लहंगे शॉप का है, लहंगा शॉप का है, लहंगा शॉप का। मैंने कहा बहन सुन, GPS यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है सड़क, जो चांदनी चौक में नहीं है। अरे आज से 5-6 साल पहले काला बंदर आया था, वो भी छत पे ही कूदी मार के चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, इतनी भीड़ हो रखी है, बावले हो रखे हो क्या? और चांदनी चौक में इतने बेचू लोग हैं ना, वो पूछते हैं आपसे कि भाई साहब क्या चाहिए, तो आप बोलते हो लहंगा चाहिए, हाँ जी भाई साहब कौन सा? मनीष मलोत सब्यसाची ऋतु कुमार। तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, मैंने कहा फर्स्ट कॉपी बना रहे हो क्या? कहता नहीं सर, हम ओरिजिनल बनाते हैं, वो हमसे फर्स्ट कॉपी लेके जाते हैं। क्या बात। और इतने डेडिकेटेड होते हैं सेल्समैन, सब कुछ बेचना चाहते हैं। जैसे आप एक लहंगे पे हाथ रख दो, खुद पहन के दिखा दूंगा, हाँ जी दीदी कैसा लग रहा है। साड़ी पे हाथ रख दो, हाँ जी भैया जी कैसा लग रहा है। दो के बाद तो मैंने उसका हाथ रोक लिया, मैंने कहा ये क्या मजाक है भाई, दीपिका की फोटो लगा रखी है अंदर, सस्ता रणवीर कपड़े पहन के दिखा रहा है। खैर जैसे तैसे हमने लहंगा लिया, हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी, और तो बारिश का सीजन चल ही रहा है। और बारिश में मैंने देखा दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बारिश आती है ना घर में एसी में बैठ के, मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। उनके घर में बारिश नहीं आती ना, तो वो शीशे पे स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बूंदों वाली पिक्चर क्लिक करनी होती है इंस्टाग्राम के लिए। और दूसरे होते हैं हमारे टाइप के, जिनके माइंड में होता है बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओहो मजा ही आ जाए। और मैं परेशान हूँ समोसे वाले के क्वेश्चन से, आप बोल लो 150 समोसे चाहिए, उसका वही क्वेश्चन आता है खाने ले जाने। मैंने कहा ले जाने फिर खाने। और झूठ इतने तरीके से बोलेंगे, आप बोलो समोसे गर्म है, ठंडे समोसे पे आता अभी निकाले हैं, अभी निकाले जस्ट राइट नाउ। तो मैंने बोला समोसा एक कितने का दिया? कहता है 25 रुपए का। मैं कहा काफी महंगा हो गया? कहता हाँ पनीर डाला है ना, इंडिया में पनीर डालने के कुछ भी महंगा कर देते हैं, और पनीर डालने, काजू डालने, किशमिश डालने। मैंने कहा सुन गाजर का हलवा बना रहा है क्या तू इसको? मैंने कहा ऐसा कर 10 का पनीर अलग कर ले, मेरे को बस समोसा दे दे। तो हम 800 में घर पहुंचे, तो मेरी बहन फिटनेस फ्रीक है अर्चना जी, आपको तो पता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, वो ना समोसे को ऐसे टिश्यू पेपर से सोखती है और फिर डाइट कोल्डिंग के साथ खाती है। तो मैंने पूछा ही क्यों करिए? कहती इसमें फैट होता है ना, फैट कार्ब्स होते ना, कार्ब्स, ऑयल होता है ना, ऑयल। मैंने कहा मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दे रहे हैं ना। तो जो मेरी बहन है वो समोसे खा दी थी, और फिर कहती अच्छा ऐसा करती हूँ मैं पापड़ी खा लेती हूँ, अब मसाला खा लो। अब होता क्या, हमारे घर में सब पापड़ी खा लेते हैं, एंड में किचन में आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को। फिर कहते गुप्ता जी तोंद कम नहीं हो रही है, आलू खत्म नहीं हो रहे मेरी लाइफ में यार। तो फिर वो कहती है कैन आई गेट अ टी, चाय मिल जाएगा? और चाय एक पिए तो समझ में भी आता है, लोग 5-5, 6-6 चाय पी लेते हैं, और उनसे पूछो चाय क्यों पीता, आलस भगाती है भाई, सुबह पी के देख नींद खुल जाती है। मतलब दिल्ली की 42-45 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी लूंगा, गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है।
पूछ तो भाई फिर चाय क्यों पी रहा है? भाई साहब लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटेगी. मैंने कहा अंगारे डाल ले, गर्मी गर्मी को काटेगी. और कॉफी कम लोगों को, यहाँ पे कितने लोगों को कॉफी बनानी आती है? काफी कम. चाय कितने लोगों को बनानी आती है? सबको. See, that's my point. चाय सबको बनानी आती है और फिर भी अच्छी नहीं बना पाते. कुछ लोग उसमें अदरक डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, तुलसी के पत्ते डाल देंगे, फिर भी अच्छी नहीं बना पाते. मैंने कहा इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए. सही है. तो इसने चाय पी तो मैंने इससे मजे लेने के लिए पूछा, मैंने कहा हाउ वाज द टी, चाय कैसा लगा? कहती पहले गुटका थूक के आ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. दिस इज अपूर्व गुप्ता. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच. अपूर्व, तुमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेविटी के साथ अपना एक्ट पेश किया. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. और जिस मुस्कुराहट से और जिस ईज के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन है तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. सो आई लव्ड योर एक्ट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. यार मैं जानना चाहती हूँ अपूर्व, दैट आप दिल्ली से हैं, करेक्ट? तो दिल्ली में और मुंबई में सिमिलैरिटी क्या लगती है आपको? मुझे लगता है सिमिलैरिटी दिल्ली बॉम्बे में नहीं, पैन इंडिया में एक चीज कॉमन है, जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट, वो हर जगह कॉमन है. एक तो इतना बड़ा बना देते हैं, इतने बड़ा, मतलब मैंने लोगों को खोते हुए देखा हुआ है वहां पे. मतलब एटीएम के पास अनाउंसमेंट हो रही थी, बच्चा पड़ा हुआ है किसी का, पड़ा हुआ रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं. पहले तो जिसका बच्चा, इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो, है जोकर बना के ले आते हैं. और एक वहां आप कभी भी चले जाओ, कितने भी लगती होंगे, 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ दो चल रहे होंगे. बिल्कुल यार, ये क्या, फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा. बोलेगा सच्चू में, फिर आपकी 50 आइटम में से दो का बारकोड नहीं चल रहा होगा. वो अपने साथ वाले को बोलेगा इसका दूसरा पीस लेके आ. वो आधा घंटा घूम के आएगा, आपसे आके बोलेगा अरे सर लाए कहाँ से थे, कहाँ से थे. तो आप उसे बताते हो कि लाल मिर्च से राइट लेना, नमकीन से लेफ्ट लेना, फिर चिप्स आएंगे वहां से सीधा जाना, और फिर बिस्कुट आएगा उसके जस्ट नीचे, खा मत लियो, कुत्ते की बिस्कुट है, ठीक है. फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीस ही था. फिर ये और काउंटर वाला बंदा मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं. तो मैं सोचा था जब तू कर सकता था तो एक घंटे से उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहा है क्या है? फिर आपके पास 1.5 करोड़ आइटम हो, उसका वही क्वेश्चन आता है सर कैरी बैग कर दो, कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग. मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूँ, और मैं तेरी खुशी के लिए ऑक्टोपस, फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना. फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 1900 रुपए का है. आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती? वो 1900 रुपए यहाँ छुप रहे होते एकदम यहाँ. तो यही सिमिलैरिटी लगती है मुझे तो पूरे इंडिया में. बहुत अच्छा. अपूर्व ये बताइए, आप जब यहाँ आए जी और पहली बार परफॉर्म किया, तो घर वालों ने जब आपको टीवी परफॉर्म करते देखा तो किस तरह से रिएक्ट किया? मैं ना लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेता, स्पेशली घर वालों को, क्योंकि जो हम लोग है ना, हम अभी कंफ्यूज ही हैं, बहुत भोले हैं. हमारा जो स्क्रिप्टेड शो होता है उसमें तो हम बावले हो जाते हैं मेरे घर वाले की, देखो कितना ओरिजिनल दिखा रहे हैं, मेरी सास भी ऐसा ही करती है, मेरी बहू भी, जिसमें वो लिखा हुआ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है. और रियलिटी शो में करेंगे सब डिसाइडेड होता है भाई साहब, सब डिसाइडेड होता है, कुछ नहीं हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, सब डिसाइडेड है. गाना तो पहले ही गा लेते हैं, यहाँ तो मुंह हिला रहे होते हैं ये लोग. तो उनकी बातों को सीरियसली लेने का कोई पॉइंट है नहीं, मतलब ना घर वालों को. प्रशंसा मिली ना पेरेंट्स से आपको, दोस्तों से, नेबर से, वो तो मिलती है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू.